नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। इन्फिनिटी फोरम में बोले पीएम मोदी, तकनीक और इनोवेशन को तेजी से अपना रहा भारत। पंजाब के गुरदासपुर में आरडीएक्स के बाद अब मिला टिफिन बम और 4 हैंड ग्रेनेड। चक्रवात जुवात की आहट से चिंता, उड़ीसा में हाई अलर्ट, पीएम मोदी ने ली बैठक। दिल्ली में बंद नहीं होंगे अस्पतालों का निर्माण कार्य, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। चक्रवात तूफान जुवात की आहट, आंध्र प्रदेश में कल दोपहर तक बंद रहेंगे स्कूल। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, मप्र पुलिस के 3 जवानों समेत 5 की मौत। कृषक उद्यमियों और किसान उत्पादक समूहों को आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार, खर्च होंगे 12,000 करोड़। उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 12 नए मामले, लखनऊ में सेना के जवान समेत 2 केस मिले पॉजिटिव। वाराणसी में अब 17 दिसंबर को होगा महापौर सम्मेलन, छावनी क्षेत्र के होटलों में ठहरने की व्यवस्था। ललितपुर में अखिलेश यादव बोले, भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों को किया गुमराह। अमेरिका के 3 राज्यों में ओमिक्रॉन का अटैक, न्यूयॉर्क में मिले 5 नए मामले। ओमिक्रॉन की वजह से गूगल का फैसला फिलहाल के लिए टाला, रिटर्न टू ऑफिस प्लान। मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन 5 महीने तक प्रभावी, मौत के खतरे को टालने में कारगर, स्टडी में हुआ साबित। मलेशिया के विमान में बम की झूठी खबर से अफरा तफरी, ढाका में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। आईएमएफ का अहम पद संभालेंगी गीता गोपीनाथ, 21 जनवरी से शुरू करेंगी कामकाज। पाकिस्तान ने शोएब मलिक, हसन अली और वसीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए दिया आराम। युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट के गुर सिखाते नजर आए शिखर धवन, इस सराहनीय कार्य से गब्बर के फैन हुए खुश। हरभजन सिंह ने चुनी टीम ऑल टाइम स्टेट 11, अपनी इस टीम में भारत के केवल 2 खिलाड़ियों को दी जगह। कासिम अकरम को अंडर-19 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की कमान। भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा, टीम के 3 खिलाड़ी चोट की वजह से 2रे टेस्ट से हुए बाहर। रुद्रा में अजय देवगन सिंघम की नहीं, गंगाजल मोड में आएंगे नजर, इस वेब सीरीज में डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं एक्टर। प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस के साथ मनाई शादी की 3री सालगिरह, फैंस ने कहा सोच रहे थे 2 महीने में नहीं चलेंगी। सलमान खान की फिल्म अंतिम सिनेमाघरों के बाद इसी महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर होगी स्ट्रीम। डिजिटल प्लेटफॉर्म के कंटेंट बॉलीवुड के फॉर्मूला से काफी दूर है, अभय देओल का बयान। तारक मेहता ने
ने यूट्यूब में मचाया धमाल। 2021 के टॉप 10 वीडियो में शामिल है ये एपिसोड। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।